हृदय यहाँ पे आए अपने भैया के स्वागत करने के लिए और हर महीने खेसरी आकर यहाँ कार्यक्रम करे। जैसे आप लोग भैया को भेंट देंगे मैं आके करूंगा टेंगे टेंगले। इस आदमी ने 30 साल से आप सबका सिर्फ सेवा ही किया है। हमारे लिए हमारा परिवार आप सब है, हमारे माता पिता आप सब है, तो हमें हमारी ताकत इस राजा को इस प्रजा के लिए अगर कुछ करना है तो इस प्रजा को भी राजा को राजा की तरह जिताना पड़ेगा। अब तुम्हें सुना ले हो 1 लाख 2 लाख भोट से नहीं खे जीता रहे के निर्विरोध निर्दलीय कर देता कि इतना नाम रखेंगे उतने भोट से आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं जीता। और ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ महीना भर नहीं चुनाव भर नहीं बल्कि लगातार संसद भवन में सिर्फ ताराकाट का नाम गूंजे और ताराकाट का विकास का नाम गूंजे। तो जिंदगी में हमारे पास हमारी ताकत आप सब है और आपका प्यार हमारी ताकत है। अगर हम गरजते हैं कैची का मतलब बुझा कर लो कतना जाना कटे है ये ताराकाट में चोरी करिए बड़े सब जने कटे है। अब विकास के बढ़िया काट काट के कुर्ता सिया जाइए टी शर्ट बनावल जाइए जामा बनावल जाइए यही कैची से काटल जाए दोनों भाई मिलके। तो बस आप सबके प्यार के लिए आया हूँ और मैं बहुत जल्दी भी आ रहा हूँ इसलिए इनका काम है आप सबका विकास करना मेरा काम है अभी सिनेमा करना। जब ले बेची बड़े तले हम संभर ले बने 7 तारीख के गांव में सिनेमा रिलीज होता जाना के नाम पर रंगदेव बसंती जो उनकी बहुत बड़ा सिनेमा रहा। तो हमारे भाई इधर आप लोगों के प्यार के लिए आप लोगों के विकास के लिए लड़ रहा है और एक छोटा भाई है जो भोजपुरी को और बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों ने हम दोनों भाइयों को और सारे भाइयों को बहुत बड़ा बनाया। ये आदमी सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि विश्व के सारे धरती पे इस आदमी का गाना बजता है भोजपुरी बजता है हमारा भाषा बजता है। तो सोचिए कि जिस दिन ये आदमी एक सांसद बनेगा सोचिए कि हिंदुस्तान है ना अमेरिका तक ले ताराकाट के विकास बूझे। ए मौसा ए भाई रह रहा जगदम्बा रे घाट लो हमारी जो माता बहन बेटी है ए चाची तू कहे के घुस गई भाई मैं मरद लो तो दबा के केचू छोड़ दे बा तू कहे के आ गई दादा। तो बस बस अपने भाई के लिए अपने एक गार्जियन के लिए एक भोजपुरी के सम्मान के लिए एक भोजपुरी के इतिहास के लिए ये आदमी अकेला काफी है। आप लोगों ने जो सम्राज और जो प्यार और सम्मान दिया है पवन सिंह को मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी नेता को मिला होगा और इस सम्मान को कम नहीं होने देना है। ये 12 नंबर है और 12 नंबर पे कैंची का निशान है। सिर्फ अकेला ये कुछ नहीं कर सकते जब तक आपका समर्थन और आपकी मोहब्बत नहीं मिलेगी। तो आप लोग हमारे बड़े भाई के साथ हो ना और अब पगले हल्ला करके बताओ आलो भी अरे हमारे जूता कौन खींचा करे। हाँ भैया 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 हमारा रोक लो विनोद रोक रोक तो जिंदगी में हमने सिर्फ संघर्ष करना जाना है और संघर्ष का दूसरा नाम है पवन सिंह। ए बाबू 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 है ना जा ये हमारा मौसी के लड़का है बैठो ना हम लोग हाँ अरे लव यू भाई लव यू बाद में तेरे घर लिट्टी चोखा खाया है बाद में जाके मौसी से कही है कि कैची छाप काट देवे के बाद आराम से आप लोग अब ऊपर चढ़ेंगे ना तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो बस यही से प्यार और आशीर्वाद दीजिए और ऐसा सैलाब पैदा करिए ऐसा सैलाब कि ताराकाट में सबसे बड़ा चुनाव है। ये मुझे लगता है कि ताराकाट इतिहास में हमने के गाना नहीं खे चलत भाई रोज रिलीज होता चलते नहीं खे जेल जा कैंची छाप से
निशाने चलता, करे काट चलता। लगता कि हिंदुस्तान के सारे नेता कारा काट में ही है, हिंदुस्तान के सारे कलाकार कारा काट में ही है, और उसका सबसे बड़ा स्नेह जाता है तो मेरे बड़े भाई पवन सिंह को जाता है। एक ऐसा विकास पुरुष, एक ऐसा कर्मठ इंसान, एक ऐसा मेहनती इंसान कि जो आदमी सोची कि हमेशा एसी में रहा है, वो आज धूप में सिर्फ आपके विकास के लिए लड़ रहा है, और इससे बड़ी लड़ाई नहीं हो सकती। यहाँ नेता के बेटा नेता बनता है, नेता ही अपने लिए करते हैं, लेकिन इस इंसान को क्या जरूरत है। ये इंसान महीने का करोड़ों रुपया कमाने वाला आदमी आज करोड़ों का प्यार लेने के लिए आपके विकास के लिए लड़ रहा है, तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। और ये सबके बस की बात नहीं होती भाई, बाकी लोगों के पास पार्टियों का आशीर्वाद है, पार्टियों का फंड है, लेकिन इस आदमी के पास एक घमंड है आप सबके प्यार का। तो ये आदमी आपके घमंड से बड़ा होना चाहता है, आपके ऊर्जा से बड़ा होना चाहता है, आपके आशीर्वाद के लिए आया है, तो इस आदमी को खाली नहीं जाने दो ना। जोर से बोलो, अरे रे जगदलुआ, हाला कौन हाला, आई लव यू, आई लव यू। तो जिंदगी में भैया आप सबसे एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के लिए भीख मांगने आया है, वो भी आशीर्वाद का भीख। हमें पैसे नहीं चाहिए, ये आदमी पैसे कमाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, ये आदमी सिर्फ आपके लिए लड़ रहा है। ये अगर संसद में जाना चाहते हैं तो अपने फायदे के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए। मैं किसी की यहाँ बुराई करने नहीं आया हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ से जीते थे, मैंने आज तक विधानसभा में कहिए तारा कट के नाम ना सुन लेने भाई। यहाँ पे हमारे बहुत बहुत प्यारे मित्र हैं, जो कि हम लोग के साथ सिनेमा भी किए, संजय यादव जी, उनके मुंह से कभी कभी सुन लेता था, वो बेचारे जब भी मिलते थे। लेकिन जब से पवन भैया तारा काट के क्षेत्र में आए हैं, लोकसभा में आए हैं, तब से यूट्यूब पर खाली कोरे काट चलाता था। सच पूछो तो भाई, हम बिहारे कहले कि हम कहने कट के नाम ना सुन रहे, ऐसा लागत नहीं कि पूरा हिंदुस्तान में चुनाव खाली एक जगह होता और कारा काट में होता। एक आदमी के पीछे करे खाती पूरा मंत्रालय कारा काट आ गए, मंत्रालय का विदेशों से लोग आई तब कहीं फर्क पड़े के नहीं थे पवन सिंह के। जिंदगी में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, पोस्टर शिवकला से लेके गावला से लेके बसावला से।